एवरीवन, हमारे चैनल प्रेस पे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे और हम लोग अभी जा रहे हैं डिनर करने। तो ऑब्वियसली हमारा वीकेंड स्टार्ट हो गया, हमारा कोई प्लान नहीं था डिनर करने का, तो हम लोग का कोई प्लान नहीं था, हम लोग घर पे ही थे। एंड वीकेंड की स्टार्ट उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा भी नहीं हुआ था, क्योंकि प्रेशर थोड़ी सी आज सुबह से लो थी, तो हम लोग दोनों बहुत टायर्ड हो गए थे। प्रेशर भी लो थी और ऑफिस का काम भी काफ़ी था, बहुत टायर्ड लग रहा था और हेडेक टाइप हो रहा था। हमने सोचा थोड़ा चलो बाहर होके आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लस थोड़ा सा शाम को प्रिशा को फीवर भी आ गया था, तो हम लोग फिर फटाफट 5 बजने से पहले, यहाँ पे 5 बजे सब बंद हो जाता है जीपी वगैरह, तो 4:30 पे उनको कॉल किया और ज़बरदस्ती उनको पुश करके एक अपॉइंटमेंट लिया और जीपी से चेकअप करा के आए प्रिशा का। थैंकफुली एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स जस्ट उन्होंने बोला कि नॉर्मल आउटसाइड कोई हल्का फुल्का कोई वायरस होगा, उसकी वजह से फीवर है, शी शुड बी ओके। उन्होंने कहा कि बस वही उसे लिक्विड अच्छे से दो और सॉलिड्स, मतलब खाना भी अच्छे से खाए। अगर खाना नहीं खा रही है तो खाना खाने से आधा घंटे पहले उसे पैरासीटामोल दे दो, तो अगर वो अनकम्फर्टेबल फील करिए शी शुड फील बेटर एंड देन शी विल ईट वेल। तो ये उन्होंने टिप दिया है हमें फॉर द वीकेंड। तो क्योंकि ऑलरेडी हम भी बहुत थक गए थे, प्रिशा भी बहुत क्रैक की थी, तो हम लोग ने सोचा चलो बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर आ गए तो हम लोग अपने गो टू प्लेस पर जा रहे हैं, कृष्णा विलास। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर क्या है कि मतलब बाहर जाते तो प्रिशा का होता ना कि क्या खिलाए उसे, तो वहाँ पर हमें इडली मिल जाती है, इडली सिंपल भी रहती है और ऐसे कुछ स्पाइसी वगैरह भी नहीं रहती है, और प्रिशा खा भी लेती है, तो वहाँ पे हम प्रिशा के लिए इडली ऑर्डर कर सकते हैं। हमने पहले कभी ऑर्डर नहीं किया, तो इस बार वही सोच के जा रहे हैं, तो देखते हैं प्रिशा खाती है कि नहीं। एंड ऑल्सो संडे को क्योंकि मदर्स डे है, तो हमारा ऑब्वियसली मदर्स डे वीकेंड भी स्टार्ट हो गया है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं वीकेंड पे, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा वीकेंड कैसे जाता है। हेलो हेलो सुनो, हेलो क्या ले रहा है अच्छा तू? पानी पूरी, पूरी भाजी और हम लोग ले रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप और इडली बड़ा कॉम्बो। ठीक है प्रशु, वी विल शेयर। पानी पूरी आपको खाना? पानी पूरी, पानी पूरी। इसका मतलब गला ऐसे हो रहा है। प्लेट कितनी लो ना? ओह माय गॉड, हाउ इज इट? वेरी यम। ओहो, पापा का रिएक्शन देख रहे हो? बहुत ही अच्छी है ना पानी पूरी। पापा जनरली ऐसे करते नहीं है, रिएक्ट तुरंत एकदम इंस्टेंट रिएक्शन आया है, आंखों में चमक आ गई पापा के। अब तो मेरे को लग रहा है गला खराब है, बट एक टेस्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ पापा की पानी पूरी में से एक एक पूरी मांगनी पड़ेगी मम्मा को लग रहा है। मैंने पूरा स्वीट कॉर्न सूप खत्म कर लिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालकर। प्रिशु को उतना पसंद नहीं आया, प्रिशु ने नहीं पिया, हमें तो बहुत मज़ा आ गया था गरम गरम। तो ठीक है, आज क्योंकि फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा रश है कृष्णा विलास में, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नॉइज़ी आस पास। जनरली हम लोग दिन में आते हैं तो हमेशा एकदम शांत रहता है यहाँ पे, तो प्रीति थोड़ा सा कॉन्शियस ही हो रही है, इतना नॉइजी है इसलिए। प्रीति उतना एंजॉय नहीं कर रही है, जो ना एंजॉय नहीं करना। तो दोस्तों हम लोग कृष्णा विलास से अब निकल चुके हैं और हम लोग अब निकल गए हैं घर के लिए। तो अभी अराउंड हो रहा है 8 PM, तो हमारा डिनर विनर सब निपट गया है। वहाँ पे रश था, फ्राइडे नाइट है तो काफ़ी रश था और हमने ऑब्वियसली एडवांस में बुकिंग नहीं करी थी। यहाँ पर मुश्किल होता है फ्राइडे वीकेंड्स पे, स्पेशली इवनिंग में टेबल मिलना, बट हाँ 10-15 मिनट का वेटिंग था फिर हमको मिल गया था। थोड़ा सा कंजेस्टेड स्पेस में मिला था, नॉर्मल नहीं मिला था, बट ठीक है हमको था कि अब ठीक है बाय है, मन भी कर रहा था खाने का तो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर।
ये वाला उससे तो हम लोग निकल गए थे आई थिंक कृष्णा विलास से खाकर 8 PM पे ना अक्षत 8 PM पे बट हम लोग निकले थे घर जाने के लिए फिर हमें रास्ते में लगा कि चलो हमें हैंड वैक्यूम भी लेना था तो हम लोग हैंड वैक्यूम ले लेते हैं तो हम लोग मीडिया मार्केट रुक गए और मीडिया मार्केट में हमको एक क्योंकि हम लोग उतना एक्सपेंसिव लेना नहीं चाह रहे थे ऑनलाइन वाले सब सैमसंग बॉश ये वाले सब बहुत एक्सपेंसिव मेरे पास एक घर में नॉर्मल वैक्यूम भी है और हम मेरे पास रोबो वैक्यूम भी है तो हम लोग उतना स्पेंड नहीं करना चाह रहे थे बट एक हमें लग रहा था कि एक हैंड वैक्यूम होना चाहिए कि कभी भी उसे ड्राइंग रूम में रख लिया कभी भी कुछ थोड़ा हल्का हल्का गिरा चला दिया तो फाइनली हमने खरीद लिया है मीडिया मार्केट से बहुत कोई ब्रांडेड नहीं खरीदा कोनिक करके एक ब्रांड है कोई उसका लिया है इट्स वर्थ ऑफ 100 euros अभी हम यूज़ करते हैं आपको बताते हैं कैसा होता है और उसके साथ हमने मीडिया मार्केट से लिया है 20 euros का इंश्योरेंस खरीदा है क्योंकि ये सब चीज़ें ना अगर इसमें हल्का सा भी कुछ ख़राब हो जाए तो एकदम वेस्ट और यूज़लेस हो जाती है स्पेशली नेदरलैंड्स यहाँ पे जहाँ पे लेबर इतना एक्सपेंसिव होता है तो उसमें 20 euros एक्सपेंसिव में A to Z उसका सारा सर्विसिंग इंक्लूडेड है 3 years के लिए तो 3 years में कुछ में कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम बैटरी की प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम आती है A to Z या एक्सीडेंटली हमसे गिर जाता है टूट जाता है तो वो सब कुछ रिप्लेस करके या रिपेयर करके देंगे तो दैट्स अ गुड पार्ट तो हमने वो 3 years का इंश्योरेंस भी खरीदा है इस वैक्यूम का क्योंकि हमारे साथ रोबो वैक्यूम के साथ यही इशू हुआ है कि उसका एक पार्ट हमारा खो गया है और उसकी वजह से उतना वो कुछ उतना अच्छा अब वो काम नहीं करता है तो हम लोग उसको उतना यूज़ नहीं करते अब हम लोग घर अब पहुँच गए हैं मतलब पहुँचने वाले हैं जैसे तैसे करके घर पहुँच गए हैं फाइनली हम लोग इतना रुक रुक के आए और प्रशा को इतनी नींद आ रही थी प्रशा इतना इरिटेट हो रही थी पर हमने सोचा चलो अभी निकले फटाफट ये काम भी निपटा लेते हैं क्योंकि फिर वीकेंड हमारे पूरे ऑलरेडी प्लान्ड है तो पता नहीं वीकेंड पर टाइम मिलता कि नहीं मिलता और हमको बहुत अर्जेंटली नीड लग रही थी इस रोबो वैक्यूम की मेरे को मैं और दो तीन चीज़ें देखने लग रही थी लाइक मेरे को चॉपर चाहिए था इलेक्ट्रिक चॉपर क्विक वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए बट फिर मैंने सोचा चलो अभी इतना टाइम नहीं डालते वो भी मेरे को एक बार लिस्ट में है मेरे को एक बार जाके देखना है ख़रीदना है मैंने क्विकली देखा था तो मुझे टैफल का सही लग रहा था तो देखते हैं वो लेंगे तो अभी हो गए 9:30 और हम लोग घर से इसलिए जल्दी करने डिनर के लिए निकले थे कि हम लोग 8:30 तक घर आ जाएंगे बट वही फिर हम लोग बीच में शेक पीने चल रुक गए बैक कैफे में ऐसे ऐसे करके अब हम लोग फाइनली घर आ गए कल का हमारा ऐसा प्लान है कल को सुबह 11 AM पे आएगी घर पे मैंने एक पार्लर दीदी को बुलाया है यहाँ पे भी ऐसे काफ़ी इंडियन लेडीज है जो करती है पार्लर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो एक मैंने इंडियन लेडी को बुलाया घर पे 11 AM पे तो कर लेंगे थोड़ी सी ब्यूटी सर्विसेज वैक्सिंग फेशियल मसाज घर पे थोड़ा पैम्पर होंगे और वैसे भी क्योंकि अब बिल्कुल भी स्किन की केयर बिल्कुल नहीं हो पाती है मतलब ना कुछ क्रीम लगाने का कुछ शेड्यूल है ना कुछ फेस वॉश का ना कुछ करने का उस सुबह भी कल से जल्दी उठना पड़ेगा सब काम निपटा के 11 बजे तक फ्री होना है क्योंकि फिर उसके बाद हमारा वो पार्लर वाली दीदी जाएगी तो उसके बाद फिर रेडी होकर फिर हमारा और एक और प्लान है आफ्टर लंच तो या क्वाइट अ बिजी डे तो चलो अब हम लोग घर जाते हैं आपसे मिलते हैं कल बाय बाय हेलो तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मेरी हो गई है सब ब्यूटी सर्विसेज मैंने कराया वैक्सिंग फेशियल एंड बॉडी मसाज तो मैं अभी बस अभी वो गए मैं फाइनली रिलैक्स कर रही हूँ और फिर जो खुश है फाइनली इतने देर बाद मम्मा को देख कर चलो और प्रिशु ने भी मम्मा सर्विस ले रहा था तो प्रिशु ने बहुत कोऑपरेट किया प्रिशु ने वैसे तो 1 hour होती है वो
आज आई थिंक 2.5 hours उसने नैप लिया. काम पे लगना है. कितने घंटे चली थी सेवन से? बोल अक्षय, यार समथिंग टू से. कितने घंटे चली? मेरी आई थी यार वो 11 बजे. 11 कब से आई हुई है? 11 बजे आई थी. 11, 12, 1, 2 3 घंटे. 3 hours services जिसमें 1 hour की तो मसाज थी. मतलब ऑलमोस्ट 1 hour पूरा वैक्सिंग में लगा मसाज करने एंड 1 hour फेशियल में लगा. ढूंढो यार, हमने भी ऐसे जुगाड़ से ढूंढे हैं यार. तुम भी ढूंढो अपने ऐसे रेफरेंसेस नेदरलैंड्स में. अगर आपके पास दोस्तों कोई रेफरेंस हो नेदरलैंड्स में जो लड़कों की भी मसाज करता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए. हमारे पतिदेव, हमारे पतिदेव को बॉडी मसाज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर. तो बट हाँ, मैं जिनसे करवाती हूँ बहुत अच्छी सर्विस देती है. मुझे उनकी सर्विस बहुत पसंद है. तो हाँ, तो अब हमारी सर्विस हो गई. अब हम लोग को, अब मेरे को थोड़ा सा शावर लेना है, हॉट शावर. तो मैं थोड़ा सा रुक के अभी हॉट शावर लूंगी. अब तो बोला था वापस काम पे चलने का टाइम है. नहीं तो वो काम भी है ना, हॉट शावर लेना है तो मिडले काम है एक बहुत बड़ा. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लंच करके निकलेंगे हम बाहर. आर्ट ऑफ लिविंग फिर निकलेंगे अपन सत्संग में. सत्संग घूमने के लिए. घूमने के लिए है. तो सड़क प्रिशु आर यू एक्साइटेड? हम लोग अभी निकल गए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए. ये रही प्रिशा, इट हैज समर ड्रेसिंग. तो आज बहुत अच्छा वेदर है, बहुत सनी है, बहुत ज्यादा 20 above टेम्परेचर है. तो हम लोग निकल गए, थोड़ा लेट हो गया पर मैंने फटाफट को एक शावर लिया. अब हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कैसा है. सी यू. ओ, मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ ना. तो हाँ, दोबारा करती हूँ. हाँ,